बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू टॉप ग्रेड डॉट पी के। आई एम प्रोफेसर मुदस्सिर जमील। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। नाइट्रोजन में सबसे पहले हम नाइट्रोजन के हवाले से कोई इंट्रोडक्टरी पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ उसके ऑक्साइड्स होंगे और ऑक्सी एसिड्स ऑफ द नाइट्रोजन विल बी डिस्कस टूडे। नाइट्रोजन जो है वो 78% बाई वॉल्यूम एयर में प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट कॉमनली फाउंड एज अ मिनरल कम्बाइंड स्टेट, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया एंड द अमीनो एसिड्स। नाइट्रोजन की इनर्टनेस की हम बात करते हैं, को कॉजेज क्या क्या हैं। ये प्रेजेंस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से, और डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते। ये इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्मॉल साइज़ की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा। ये वो मेन काजेज़ हैं जो नाइट्रोजन को इनर्ट बना देते हैं एयर में। उसके बाद रीज़न फॉर द इनर्टनेस ऑफ द नाइट्रोजन हम ये डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग हमारे पास मौजूद हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं, और वेरी हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है तो बहुत हाई एनर्जी चाहिए, 3000 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है तो जस्ट 600 सेल्सियस पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। इनर्टनेस ऑफ द नाइट्रोजन इज़ ड्यू टू, हमारे पास सीधा ऑप्शन है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से। नाइट्रोजन इज़ नॉट मेनली फाउंड एज अ कंपोनेंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स। उसके बाद हमारे पास है, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और 78% एयर में है, बट इट इज़